आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पिक्चर फॉर्मेट। हम आपको सॉरी माफ कीजिएगा पिक्चर फॉर्मेट नहीं, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स। देखिए आप लोग जो रिपोर्ट बनाते हो एक्सेल एक्सेल के अंदर में और ऑफिस में, तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है उसकी फॉर्मेटिंग करना। तो फॉर्मेटिंग करना इज अ टफ जॉब। अब फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम कोई रिपोर्ट बनाते हैं उसके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ उसके स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेट, फिर कैलकुलेशन, देन उसका पार्ट होता है रिप्रेजेंट। कि पहले आपको रिपोर्ट मान लीजिएगा आपको कुछ बनाना होता है तो पहले उसकी फॉर्मेटिंग तैयार करते हैं, फिर उसके अंदर डेटा डालते हैं और डेटा की कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसको जो है चार्ट बार और बाकी चीजों से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो तीन स्टेप होता है। अगर ऐसे आपको मैं बता भी दूं जैसे कि मैं कुछ रिपोर्ट्स आपको दिखाता हूं, उस रिपोर्ट्स में भले ही फॉर्मूला और बहुत सारे अलग चीजें लगी हो लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट उसकी फॉर्मेटिंग है। और फॉर्मेटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपको उसको खुद ब खुद करना होता है। तो इसमें जैसे कि मैं एक सेल्स डैशबोर्ड जो आपके सामने दिख रहा है, मैंने इसी को ओपन किया। अब देखिए फाइल हमारे सामने आपके सामने ओपन हो गया है। अब एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट में यहाँ फॉर्मूला भी लगा हुआ है, इसके साथ हमने चार्ट वगैरह भी लगा रखा है, लेकिन इसमें सबको सही तरीके से पैलेंस किसने किया है फॉर्मेट। जैसे चार्ट है तो लाइनिंग दिख रहा है कि अपने हिसाब से लाइनिंग है ताकि चार्ट की कैटेगरी दिख रहा हो, यहाँ पे अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग है, यहाँ इसकी फॉर्मेटिंग है जिसमें ग्रीन कलर है माइनस होने पर रेड कलर हो जाते हैं। तो इसकी जो रिपोर्ट को इतना अच्छा दिख रहा है इसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका है, फॉर्मेट का। फॉर्मेट ठीक है, क्योंकि फॉर्मेटिंग से ही हमें डिसाइड होता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहां पे और कौन सा चार्ट कहां पे कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है कि फॉर्मेटिंग के लिए कोई रूल नियम नहीं है। जैसे कि एक पेंटर को पेंटिंग करना है तो उसकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है ना, आपको कलर की कलर्स की जो वैरायटीज है, शेड्स है, ब्रश की वैरायटीज है और कुछ स्केचिंग के जो रूल है वो आपको कोई कोई भी जो होगा ट्रेनर होगा, जो भी टीचर होगा जो पेंटिंग सिखाता है वो आपको बता देगा। लेकिन पेंटिंग क्या करना है, कितना खूबसूरत करना है, ये तो आपकी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है ना। क्या राहुल जी, मैं सही बोल रहा हूँ? हेलो, हाँ सर सही बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से आप फॉर्मेटिंग आपका कैसा हो क्या हो, मेरी फॉर्मेटिंग तो बहुत खराब है, सबसे पहले बता दूं मेरी फॉर्मेटिंग बहुत खराब है, लेकिन थोड़ा बहुत बना लेता हूं जब अभी तक बनाया। तो फॉर्मेटिंग आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन कुछ फॉर्मेटिंग के ट्रिक्स होते हैं कुछ ऐसे नॉर्मल, तो जैसे इसलिए है क्या बॉर्डर लगाया हुआ है, कलर लगाया हुआ है, ही है ना, लेकिन फॉर्मेटिंग के कुछ पार्ट है जो कि मुझे पता है कि आप लोग नहीं कर पाएंगे। कुछ ट्रिक्स है फॉर्मेटिंग की, वो ट्रिक्स हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया कि फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते, बोलते थे कलर बॉर्डर करना सिखा रहे हैं आप पहली क्लास में, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास में, ये तो हमें आता ही है, लेकिन इसकी यूज जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस यूज पे हम आपको बताते हैं।
तो चलिए उसी को हम करते हैं डिस्कस। यहां पे जैसे कि हमने यहां लिखा टेंथ, स्पेस मारा तो टीएच ऊपर नहीं गया, लेकिन अगर एमएस वर्ड यूज करें तो एमएस वर्ड में जैसे आप टेंथ लिखेंगे टीएच मारेंगे तो टीएच ऊपर चला जाता है। तो इसमें जाने के लिए आपको क्या होगा, इसको सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाना पड़ेगा एंड सुपर स्क्रिप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये रहा सुपर स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे कि 10 डिग्री, तो 10 डिग्री में लिखना है तो स्मॉल ओ लिखिए एंड फिर ओ को सिलेक्ट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट कीजिए। तो जो सिलेक्टेड करेक्टर है यहाँ पे, तो सिलेक्टेड करेक्टर कौन सा है, ओ है, ओ ऊपर चला जाएगा, तो 1 डिग्री का सिंबल बना के लिखेगा। लेकिन आपको अगर H2O पर ये लिखना है, 10 स्क्वायर लिखना है, तो 102 करोगे और 2 स्क्वायर को अगर आप फॉर्मेट में जाके सुपर स्क्रिप्ट करते हो, ओके करते हो, तो ये भी 10 स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन जैसे आप एंटर प्रेस करोगे ये नॉर्मल 102 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट सिर्फ करेक्टर पे वर्क करती है, नंबर पे वर्क नहीं करती है, ध्यान रखिएगा। तो नंबर को टेक्स्ट में आपको लिखना पड़ेगा। टेक्स्ट में कैसे लिखा हमने, हमने जस्ट सिंगल कोट लगाया, 102 लिख दिया और यहां पे आ गया, फिर इसको सिलेक्ट किया और यहां फॉन्ट में गए सुपर स्क्रिप्ट, देखिए ऊपर चला गया। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, अब मुझे सब पे जो है 10 डिग्री लिखना है। अब मुझे सब पे जो है 10 डिग्री करना है, तो मैं एक एक में जाके फिर यहां पे ओ लिखूंगा, फिर मुझे इसको जाके डिग्री करना पड़ेगा, कोई इसका दूसरा तरीका नहीं है। तो एक एक करना तो मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रिंटिंग पर्पस के लिए चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बगल में ओ लिख देते हैं और इस ओ को यहाँ ऊपर और लेफ्ट ये दो चीज दे देते हैं सिंबल, और फिर इसको ड्रैग करते हैं और फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल पे जाते हैं और इसको सुपर स्किप कर देते हैं। तो अभी दिख रहा है अलग सेल में है, तो मैं इसकी क्या करता हूं कि इसकी कलर जो है, इसकी इसकी जो कलर है, एक कलर को व्हाइट कर देता, ठीक है। उसके बाद मैं वापस उसकी फॉर्मेट सेल में बॉर्डर में जाता हूं और बॉर्डर में मैं बोलता हूं कि साइड का बॉर्डर लेना है, अप का लेना है, डाउन का लेना है, राइट का लेना है और मिड का भी मिड का लेना है, लेकिन यहां पे इसको नहीं लेना है। तो ये आपका फील हो रहा है कि एक ही सेल में डेटा है क्या राहुल जी, लेकिन ये अलग अलग सेल का डेटा है हेलो। क्या सर, ऐसा फील हो रहा है ना कि एक ही सेल में है लेकिन ये जी अलग है। जी जी अभी एक सेल में अलग अलग है। इसको और छोटा कर दीजिए, इसको और बड़ा है तो और छोटा कर दीजिए इसको, ठीक है। अब लग रहा है एक्सेल, ओके तो ओके फॉर्मेटिंग यही होता है। इसी तरह से हम अपने अकॉर्डिंग जो चीजें क्या, अब जैसे कि हम बॉर्डर की बात कर रहे हैं, तो चलिए हम कुछ डेटा यहां पर रखते हैं। हम यहाँ पे कुछ डेटा रखते हैं, कॉपी किया, हम यहाँ पे वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अब जैसे कि अगर आपको इस डेटा में किसी को सही या किसी को गलत करना है, तो आप पेन आपके पास होता था, फिर आप क्या करते कि पेन लेते यहां से और सबको यहां से टिक कर देते, ये सही है ये गलत है। ये तो हमारा गो टू मीटिंग का एक टूल है, स्कैन कर दिया, लेकिन प्रिंटिंग नहीं है और एक्सेल का पार्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा ही चाहिए एक्सेल के थ्रू।
तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में हम इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर को, कि हम यहां बॉर्डर में जाएंगे और मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा, और इसकी थिकनेस भी चेंज कर लीजिए अपने हिसाब से, ये रहा। ठीक है, तो F4 अगर प्रेस करते हैं तो F4 जो होता है वो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। F4 फंक्शन 4 जो हमारा कीवर्ड है, शॉर्टकट है, वो लास्ट एक्शन को रिपीट करता है। लेकिन मुझे इसी में टिक का निशान चाहिए। यू कैन यूज द फॉर्मेटिंग में बॉर्डर ही इस्तेमाल कर लेते हैं, कलर हम ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि तो ग्रीन सही का सिंबल होता है, और इन दोनों को ले लेते हैं, तब सही लग रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग इसका पार्ट नहीं होता है, मतलब कि उस पर फॉर्मूला कवर नहीं होता है। मतलब कि मैं चाहूँ कि इसकी फॉर्मूला के साथ इसका टाइप करूं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी फॉर्मेटिंग को फॉर्मूला रीड नहीं करता है। तो कोई भी फॉर्मेटिंग को फॉर्मूला रीड नहीं करता है, ये नियम। ठीक है, तो मुझे कुछ यहां पे ऐसा चाहिए जिससे हम कंडीशंस, फिल्टर कंडीशन ऐसे कुछ लगा सके, ताकि हम एग्रेड कर सके कि कलर यहां पे सेग्रीगेट कर सके कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है, कौन सा चेक नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए हम अपना फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, कि अगर यहां पे मैं कैप्स में पी करेक्टर लिखूं और इस पी करेक्टर के ऊपर हमारे पास सबसे लास्ट में एक बाइंडिंग टू या बेडिंग टू जैसे कुछ होता है फॉन्ट है, इसको मैं अप्लाई कर दूंगा, तो पी को इस तरह का राइट का सिंबल जो होता है, सही का निशान जो होता है, सही का टिक मार्क निशान जो होता है, वो दिखाएगा। और क्रॉस करने के लिए क्या होगा, आप यहां पे कैप्स में ओ लिखो तो क्रॉस हो जाएगा, कैप्स में ओ लिखते ही आपका क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, इसका अब इसमें आप कोई फॉर्मेटिंग फॉर्मूला सब लगा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहां पे अलाइनमेंट का, मैंने कि ओरिएंटेशन। जैसे कि मैंने यहां पे सुजीत लिखा। हेलो हाँ बोलिए। सर, ये एक बार फिर समझाएंगे क्रॉस कैसे हो गया, ये राइट कैसे करा आपने? इसके मैंने कैप्स में पी को लिखा और इसके ऊपर मैं फॉन्ट में बाइंडिंग टू नाम का फॉन्ट अप्लाई किया, जो कि पी कैरेक्टर को शो करता है इस निशान राइट पे, में एंड ओ कैरेक्टर को शो करता है क्रॉस के निशान पे। सर, ठीक है, पी करेक्टर को क्यों क्यों होता है सर? सर फॉन्ट समझते हैं फॉन्ट क्या होता है? जी हिंदी फोन अप्लाई, अभी हिंदी टाइपिंग किया कभी आपने? जी नहीं सर, हिंदी नहीं किया। डी लिखने से क आता है? अब बोलो सर, डी लिखने से क क्यों अच्छा आता है? क्योंकि उसकी बैकग्राउंड में सेटिंग की गई है कि डी आए तो क आए, तो सेम ऐसे ही उसकी सेटिंग है कि पी आए, पी लिखे तो पी को कन्वर्ट करे टिक में। अगर आप भूल ओके जाते हो कि पी नहीं समझ में आ रहा है आपको, तो इंसर्ट मेनू बार में जाए और सैम्बल पे क्लिक करें। ठीक है, और यहां पे आप जो है अपना बाइंडिंग टू का फॉर्मेट, बस बाइंडिंग टू फॉर्मेट या फिर देख भी लो, इस पे सर्च सर्च भी कर सकते हो, ये रहा सारा करेक्टर, ABCD से लेके पूरा कीबोर्ड करेक्ट है यहां पे। ओके ठीक है ना, जो चाहिए उस पर डबल क्लिक करो वो आपका आ जाएगा। जैसे मुझे ये निशान चाहिए, टेलीफोन का निशान चाहिए, जैसे बहुत 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 सारे जगहों पे देखते हैं ना कि टेलीफोन निकल के टेलीफोन का निशान होता है, तो जी यहाँ से आप ला सकते हो, या हैंड का निशान होता है, या फिर जहां पे कट मार्क होते हैं ना, तो आप कैंची का निशान होता है क्या? जरा ओके सर लिखा होगा आपने बहुत सारे जगहों पे, तो ये चीज यहां से इस्तेमाल होती है। ठीक है,
ओके यहाँ देखिए पी एन परसेंटेज सिंबल ये इसी को अप्लाई करता है। अब जैसे कि अब आगे चले टॉपिक पे, जैसे आगे चलते हैं। यहाँ पे सुजीत लिखा तो हमारे पास ओरिएंटेशन है, तो मैं यहां से अगर एंगल चेंज करूंगा तो अलग अलग एंगल पे वो रोटेट करेगा, दिख रहा है आपको, जी ये ये रोटेशंस होते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्यों होता है, चलिए इसका इस्तेमाल आपको बताता हूं। इसका इस्तेमाल हम बताते हैं अटेंडेंस में, जैसे हमने एम्प्लॉय कोड लिखा, अटेंडेंस शीट बना रहा हूं, नेम लिखा, डिपार्टमेंट लिखा, और मैं यहाँ पे अपना अटेंडेंस जो है, अटेंडेंस जो होता है वो कर रहा हूं, और फिर इसको हम आगे की तरफ ड्रैग कर रहे हैं। सर पीछे शोर आ रहा है, राहुल जी म्यूट कर लीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो डेट है आपका, जो आपने डेट लिखा हुआ है, और मान लीजिए कि मैं यहां पे कुछ अटेंडेंस भी मैं बना देता हूं, अब कुछ नाम देता हूं, अब प्रॉब्लम है कि मैं इसको इसको पूरे का सेलेक्ट करके मैं अगर डबल क्लिक करो तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं पूरे को प्रिंट नहीं ले सकता एक पेज में, तो अगर मैं पेज लेआउट में जाऊं, मैं यहां से मार्जिन, मतलब पेपर की जो लॉ टॉप बॉटम का मार्जिन है मैं नैरो लेता हूं जो सबसे कम होता है, मैं मार्जिन भी चेंज कर दिया, मैं ओरिएंटेशन लैंडस्केप कर दिया पोर्ट्रेट से, फिर भी अगर मैं प्रिंट लूं तो मेरे पास एक पेज में नहीं आएगा, देखिए 12 दिसंबर तक। क्यों? अब प्रॉब्लम यह है कि मैं इसको छोटा प्रिंट करूं, कितना छोटा करूंगा, रीडेबल तो होना चाहिए ना, क्या सर? तो इसमें मैंने देखा कि डेट सिर्फ बड़ा है हमारा, लेकिन नीचे जो पी सी पी लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसको छोटा करता हूं इस तरह से तो फिर डेट नहीं दिखेगा। तो हमने क्या किया कि पूरे डेट और पूरे ये भी जो भी है पूरा है, इसको मैंने पूरे को सिलेक्ट किया और मैं होम मेनू के ओरिएंटेशन डिपार्टमेंट होता है उसमें गया और मैंने इसका एंगल ये ले लिया, ठीक है, एंगल ले लिया, फिर मैं इसको डबल क्लिक करके इसको ऑटो फिट किया, तो आप देखिए कि इस तरह से ऑटो फिट हो गई और एक पेज में हमारा प्रिंट आ गया। जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, यहां से मैं प्रिंट करूंगा तो आप देखोगे एक पेज पे प्रिंट होगा, ठीक है सर? तो एडिशन का इस तरह से यूज होता है, समझ आए आप लोगों को सर? हाँ सर, समझ आ गया। ओके रुपेश जी, मैंने आपको म्यूट कर रखा है क्योंकि तो आपके बैकग्राउंड शोर आ रहा था, अगर आपको पूछना होगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अब चलिए ओके अब बात करते हैं रैप टेक्स्ट के बारे में। जैसे मैंने यहाँ पे सुजीत लिखा और यहाँ पे मैंने कुमार अपना नाम लिखता हूँ, सुजीत कुमार, तो कुमार जो है अगले कॉलम में चला जा रहा है, चल जा रहा है, मैं चाहता हूँ कि अगले कॉलम में ना जाए, तो मैं यहां से इसको रैप टेक्स्ट कर देता हूं, तो टूट के नीचे आ जाता है। तो रैप टेक्स्ट जब हम करते हैं तो हम चाहते हैं कि मेरे हिसाब से रैप हो, तो उसके लिए हम ऑल्ट एंटर प्रेस करते हैं, तो जहां से रैप करना चाहते हो वहां से आप ऑल्ट एंटर प्रेस करके कर सकते हो। दूसरा कि अगर मैं यहां से डबल क्लिक कर दूं तो ऑटो फिट हो जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं अगर मैं कॉलम की साइज बढ़ाऊं ना कि मैं रो की साइज, क्योंकि मैं डबल ऑटो फिट करूंगा तो ये डबल क्लिक करूंगा तो ऑटो फिट हो जाएगा, मतलब कि कॉलम बड़ा हो जाएगा,
और मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो मेरा रो बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा मेरा सेल का साइज है, मेरा टेक्स्ट उतने बड़े साइज में फिट हो जाए। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम यहां इसमें अलाइनमेंट में हमारे पास आता है श्रिंक टू फिट, श्रिंक टू फिट। तो श्रिंक करके वो फिट कर देता है, जैसे कॉलम आपका बड़ा होगा, ये भी अपने आप को बड़ा कर देगा। ठीक है, समझ गया। विदाउट इसमें तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। सेम मर्ज हुआ कि कई सारे सेल को आप मर्ज कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे सेलेक्ट किया, मर्ज कर लिया, लेकिन इसमें मर्ज एक क्रॉस होता है, तो एक एक सेल को आप मर्ज कर सकते हैं इसमें। समझ गए सर? तो ये हो गए फॉर्मेटिंग के बाद। लेकिन अगर हम बात करें नंबर फॉर्मेटिंग, तो नंबर फॉर्मेटिंग थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम ज्यादातर काम जो है हम नंबर फॉर्मेटिंग से ही करते हैं, समझ गए। तो हम ज्यादातर काम जो है नंबर फॉर्मेटिंग पे ही करते हैं। तो नंबर फॉर्मेटिंग पे जो चीजें हम करते हैं वो आपकी नंबर की जो नंबर होती है उसके ऊपर वर्क करता है। तो इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ये बाकी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हमारा कस्टम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक कस्टम को पढ़ने के लिए, मैंने करने के लिए आपको एक आर्टिकल को पढ़ना पड़ेगा। तो कल की जो टॉपिक है वो हमारा कस्टम फॉर्मेटिंग का टॉपिक है। और मैं वो भेज रहा हूं आपको। तो उसकी आर्टिकल जो है एक माइक्रोसॉफ्ट की आर्टिकल थी जो बहुत पॉपुलर है, ये रही थोड़ा, इसमें कस्टम फॉर्मेटिंग के बारे में पूरा बताया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कि आप जो है एक बार इस आर्टिकल को स्टडी करें ताकि कल की क्लास आपको सही ढंग से समझ में आए। ठीक है सर? और कल हम बात करेंगे कस्टम फॉर्मेटिंग पे। ठीक